पुराने नियम में परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको एक बड़ा नाम दूंगा, एक बड़ा देश दूंगा। तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की है वही प्रतिज्ञा पूरी होगी इसहाक में, और इसहाक से हो करके पूरी होगी उसके बच्चों के द्वारा। उनके बच्चों में बड़ा बेटा कौन है? एसाव है। तो प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी होगी किसके द्वारा? एसाव के द्वारा होनी चाहिए थी। तो एसाव को क्या करना चाहिए था? प्रभु पे भरोसा करना चाहिए था, और उसको बचपन से सिखाया होगा, उसको बचपन से या इसहाक ने सिखाया होगा, बेटा एक दिन तुम जब बड़े होगे तो प्रभु जी तुमको उपयोग करेंगे, क्योंकि तुम पहलौठे हो, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाले, हमको मालूम नहीं क्या करेंगे वो, लेकिन एक दिन तुम्हारे द्वारा करेंगे। लेकिन किया क्या एसाव ने? एसाव ने क्या किया? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्या किया? ठुकरा दिया। उसने कहा अरे प्रभु जी दिखाई तो देते नहीं है, अरे हमारे परदादा से कहा था इब्राहिम, कहां है इब्राहिम, मर गए इब्राहिम। अरे फिर बोलता अपने पिता से इसहाक, पिताजी तुम भी देखो बुढ़े हो रहे हो, कुछ नहीं मिला, क्या फायदा। वो क्या सोचा? अरे प्रभु जी की प्रतिज्ञाएं झूठी हैं, प्रभु जी कहते हैं देते नहीं हैं, और जो प्रभु जी देंगे पता नहीं कब मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा तो क्या फायदा, मौज करना है, मस्ती करना है, चाहिए तो कब चाहिए, अभी चाहिए, पैसा चाहिए कब चाहिए, अभी चाहिए, इज्जत चाहिए कब चाहिए, अभी चाहिए, मान चाहिए कब चाहिए, अभी चाहिए, मरने के बाद मिला तो क्या मिला, मरने के बाद किसने देखा है, हम नहीं इंतजार करेंगे उस दिन का, हमको चाहिए अभी। तो ऐसा ने क्या कहा अपने भाई से, कहा याकूब भाई भूख लग रही बहुत तेज, बाहर गया एक दिन शिकार करने, शिकार करने के वापस आया, वापस उसने देखा उसका भाई खाना बना रहा है। क्या भाई क्या बना रहा है? दाल, दाल बुखार। क्या बात है भाई, दाल, दाल से बढ़िया कोई चीज होती नहीं, दाल से महंगी चीज कोई नहीं होती है, दाल चाहिए हमको, क्या चाहिए, मुझको चाहिए दाल, और कब चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, नहीं मिलेगी दाल तो मैं मर जाऊंगा, अभी चाहिए इसी समय, क्यों प्रभु जी अगर आप हमसे प्रेम करते तो हमको दाल दीजिए, सब कुछ हमसे ले लीजिए। हमारा आप यही करते हैं, ऐसा हो गया समय, प्रभु जी स्वर्ग में दिखाई नहीं दे रहा है, दाल चाहिए, एक मकान दे दो, दाल चाहिए, तीन कमरे का होगा तो बढ़िया होगा, दाल चाहिए नौकरी, दाल चाहिए तो अनंत जीवन क्या करेंगे, प्रभु जी अनंत जीवन से पेट भरेगा, अनंत जीवन से मेरी भूख मरेगी, अनंत जीवन से मेरी भूख मरेगी, प्रभु जी क्या बात करें, पापों की क्षमा से कुछ मिलेगा मुझे, पापों की क्षमा से कुछ मिलेगा, नहीं चाहिए हमको पापों की क्षमा, यीशु नाम से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, यीशु नाम छोड़ो, यीशु नाम हमको चाहिए दाल अभी इसी समय, दुराचारी व्यभिचारी हमारा अभी की भूख मिटाने के लिए, अभी की वासना मिटाने के लिए, अभी की वाह वाही पाने के लिए, संसार में अभी इज्जत मिल जाए, संसार में लोग हमको अभी ऊंचे पे उठा लें, न्यूज़पेपर में हमारा नाम छपे, लोग हमारी वाह वाही करें, मरने के बाद लोग हमारे गीत गाएं, इसके लिए हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। और प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा मत करो भाई, केवल दाल के लिए, अस्थाई चीज को उसने एक स्थाई छोटी सी चीज के लिए बेच दिया, कहा नहीं चाहिए मुझे पहलौठेपन का, और क्या हुआ उसको हटा दिया गया उसने से, उसका अधिकार उसके छोटे भाई को दे दिया गया। और याकूब से एक दिन मालूम क्या हुआ, याकूब से इज़राइल बना, और एक दिन क्या हुआ, कौन निकल के आया उससे, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, वो उसको ठुकरा दिया, इसने किसके लिए, दाल के लिए। हम और आप क्या करते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में, नहीं चाहिए हमको यीशु, चाहिए हमको आज के जीवन को तिरस्कार दिया, उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार दिया, क्यों, क्योंकि वो लोग शरीर के वासना से, कामुकता से, शरीर की आवश्यकता से, ये लास्ट ऑफ द फ्लैश उससे फंसे हुए थे, और वो लोग फंसे हुए थे किन बातों में, अभी के आराम से। तो इसलिए इसलिए क्या करेंगे हम और आप, ऐसा कि ना ही नहीं, लेकिन लगे रहेंगे प्रभु के मार्ग में, लगे रहेंगे, कैसे लगे रहेंगे, पवित्रता में लगे रहेंगे, पवित्रता के साथ लगे रहेंगे, और क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, कब तक करेंगे, अंत के दिन तक।
जब तक या तो हम मर ना जाएं या तो यीशु मसीह आ ना जाएं। ये एक दिन की दौड़ नहीं है, ये जीवन के अंत तक दौड़ है। हिम्मत मत हारिए, सावधान रहिए, अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न ये उठता मेरे आपसे भाई बहनों, क्या आप इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए सावधानी बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं?